जैसे जैसे आपका कैमरा घूमेगा वैसे वैसे ये बिल्डिंग घूमेगी। हेलो फ्रेंड्स, अकाल की हलचल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग सीरीज। तो मैंने पिछली वीडियो में कार्स एंड बाइक्स के सारे चीट कोड्स बता दिए थे जो कि अपने न्यू अपडेट में आए। तो आज हम लोग RGS टूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 40 चीट कोड आए हैं जो कि RGS टूल में आए, तो वो मैं उसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग। व्हेन वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप लोग देख सकते हो, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में सारे के सारे बताए थे ये कौन सी बाइक्स है। KTM अपनी निसान GTR कार का चीट कोड है 3005, देख सकते हो। ये सारी की सारी गाड़ियां मैंने पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग बात करने में RGS टूल के कुछ सीक्रेट चीट कोड्स के बारे में, तो वो हम लोग लाइन से चालू करेंगे अपने घर के पास। सबसे पहले आपको RGS टूल में आ जाना और लिखना है R1। जैसे आप लोग R1 लिखोगे, ओके दबाओगे, वैन आप लोग देख सकते हो आपके सामने एक रैंप आ जाएगा जो कि इस RGS टूल में अपडेट्स आए हैं। जैसे GTA 5 में कुछ अपने अलग से तुम ऐड कर सकते थे ना मैन्यू ट्रेनर से, वैसे इसमें हो गया अपने इंडियन बाइक्स में। इसमें RGS टूल से तुम कुछ भी स्पॉन कर सकते हो जो इनमें दिए गए हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से नहीं, जो दिए गए। अब आप लोग लिखना है यहाँ पे W1। जैसे आप लोग W1 लिख के फिर से ओके दबाओगे, आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक वॉल आ गई है जो कि आप लोग ऐसे करके इसको क्यूब बना के मतलब कि अपना घर भी बना सकते हो। ऐसे करके तो हम लोग अपनी सिटी को बिल्कुल एक रास्ते को बना सकते हैं ना भाई। तो वैन आप लोग सोच रहे हो ये वाल इधर उधर हो गई, तो इस वाल को हम लोग सही कैसे करेंगे, तो इसको सही करने का तरीका ये है, इसकी पोजीशन को तो मूव भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको RGS टूल में आ जाना, यहां पे लिखना है MD ON लिखना है आपको। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वैन आप लोग देख सकते हो MD ON, ये देखो, ये आप लोग समझ रहे हो, ये वॉल इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है। आप लोग इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, जैसे इसको मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा, बस चलो भाई। यहाँ पे आपको एक चीट कोड और लिखना है, यहाँ पे लिखना MD OFF OFF लिख देना, MD OFF। आप लोग ओके दबाओगे, क्लिक करोगे, आपके सामने ये वॉल यहीं पे रुक जाएगी। देख सकते हो ये वॉल यहाँ पे लग चुकी है, ये जगह ऊपर नीचे है तभी वो वॉल दिख रही है ऊपर नीचे। वैन आप लोग ऐसे अपनी सिटी क्रिएट कर सकते हो मेरे भाई। RGS टूल में आ जाना है, लिखना है आपको C1 लिख के ओके दबाओगे। जैसे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा कंटेनर आ गया है, पता नहीं ये खुला भी है क्या, इसके अंदर मैं जा सकती है क्या? नो भाई, तो ये कंटेनर खुला नहीं है, इसके अंदर हम लोग जाने से इसको हम लोग ऐसे मतलब स्टोरी मोड बना सकते हैं, स्टोरी मोड। और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आपने C1 लिखा था, अब लिखो C2। जैसे आप लोग C2 लिखोगे आपके सामने ऑलराइट गाइस, एक अलग कंटेनर आ गया जो कि अपना ब्लू रंग का, इससे भी बड़ा है क्या? हाँ भाई, लिखना है आपको C3। जैसे आप लोग C3 लिखोगे फिर से एक आएगा ऑलराइट गाइस, ये तो साली ये वॉल आ गई है हमारे हाउस वाली ना, हमारे हाउस में जो वॉल लगी है वो वॉल ही आ गई है C3 में। आपको लिखना है C4, ऐसे फिर से C4 लिखोगे आपके सामने एक कंटेनर और आ जाएगा मेरे भाई। यस, ये तुम रिपीट कर सकते हो C10 तक, बस 1 से लेके 10 तक रिपीट कर सकते हो, उससे आगे ये नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ C11 तो ये कुछ भी नहीं करेगा, देखना अभी, ये देखो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आपको लिखना है W2 लिखना है आपको, ऑल राइट गाइज, एक वॉल और आ गई है। W2 को भी आप लोग W10 तक लेके जा सकते हो। W3 लिखा, ऑल राइट गाइज, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, सही से सुनना वरना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जो W1 है, जो आपको बता रही है, जो W1 है वो W1 W2, बस इतना ही रहेगा। C1 C2 बस इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं रहेगा। जो मैं आपको बता रही है जो 10 तक जाएंगे वो है B1 B2 B3 B4 B5, वो B10 तक जाएंगे जो कि अपनी बिल्डिंग्स। अब आपको लिखना है H1। जैसे आप लोग H1 लिख के ओके दबाओगे आपके सामने एक बिग होम आ जाएगा। अरे भैंस की टांगे साला, कितना ही बड़ा है होम भाई। तो वैन इसी को आप लोग H1 H2 H3 करके 10 तक जा सकते हो। और मैं एक बार ट्राई मारने वाला हूँ H10 पे कौन सा होम आता। ऑल राइट गाइज, H10 पे ओ भैंस की टांग, H10 पे ये वाला है, कुछ सिस्टम आया है जो कि इधर साइड अपने है, ये चीजें हैं हमारे इधर। ये है H2, ये है H3, ये है H4, ये है H5, ये है H6, ये है H7, ये है H8, ये है H9 और ये है लास्ट H10। तो भाई साहब H1 H2 10 तक चल गया, हमारा काम खत्म। अब चलते हैं B1 B2 पर। ये है B1, देख सकते हो कितनी खतरनाक बिल्डिंग है B1 में, और अभी तो B10 तक है। ये है B2, ओके गो भैंस की टांग, ये कितनी खतरनाक बिल्डिंग है भाई, मेरा अब कैमरा भी नहीं पहुंच पा रही है उधर। और ये है B3, और ये है B4, ये है B5, ये है B6, ये है B7, ये है B8, ये है B9 और ये है लास्ट B10। तो आप लोग देख सकते हो क्या भाई, B1 B2
बहुत ही खतरनाक बिल्डिंग्स ऐड हुई हैं। फिर से आरजीएस टूल में आ जाना, आपको लिखना है T1। जैसे आप लोग T1 लिखोगे देन आपके सामने एक ट्री आ जाएगा जो कि अपने घर पे लगा है, अपने न्यू हाउस। यहाँ पे लिखना है आपको T2। ऑल राइट गाइज, एक और ट्री आ गया है। T3 लिखना है आपको। ऑल राइट गाइज, एक और ट्री आ गया। ये तो साला सबसे बड़ा आ रही है। अब मेरे सबसे जुरासिक पार्क वाला है। T4 ओके, ये जुरासिक पार्क वाला ट्री आ गया है। ऐसे आप लोग ट्रीज भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। T5 भी आ गया है जो कि जुरासिक पार्क में लगा है। बहुत ही, ये तो साला सबसे लंबा पेड़ लग रही है। T6 से अपना एक और पेड़ आ गया। पता नहीं साले कितने पेड़ है भाई। T6 भी आ गया और T7 शायद है। T6 तक ही है सारा सिस्टम, उससे आगे नहीं है। अब आपको लिखना है P2। जैसे आप लोग P2 लिखोगे, ऑल राइट गाइज, व्हेन आप लोग देख सकते हो जो नीचे बैरिकेड्स लगे होते हैं ना, वहां पे ये होते हैं जो कोन के जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे आप लोग माहौल बना सकते हो, स्टोरी मोड बना सकते हो, खतरनाक वाली। T1 से क्या आएगा? ओके, ये तो लाइट आ गई अपने, जो अपने सिटी में लगी होती है। ओहो भाई, क्या सिस्टम बनाया यार, मजा आ गया। P3 से अपने बैरिकेड्स आ गए हैं, देखा। P4 से, ओहो ये क्या है? अच्छा, हमारे जो घर पे जहाँ पे बगीचा फूल वगैरह लगे हैं वहाँ पेड़ लगे हैं, वही वही सिस्टम है। इसके अंदर तुम पेड़ वगैरह लगा सकते। P5 से अपना डस्टबिन आ गया है। अच्छा भाई, अगर डस्टबिन कम पड़ जाए ना घर पे, बहुत है हमारे पास। P6 से अपना ओके, वाह वाह, इसकी तो बहुत जरूरत है अपनी सिटी पे यार। ओहो, ये भी डस्टबिन आ गए भाई, वाह वाह। P8 से, ये भी साला डस्टबिन है भाई साहब, क्या बात है, गार्बेज के ट्रक नहीं भेजोगे क्या। P9 से अपना ओके, ये सिस्टम है अपना जो घर पे बिजली वगैरह सिस्टम है पूरा, हाँ सही है। P10 से क्या है? ओके, ये भी वही चीज है, अगर तुम्हारा घर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बिजली लेनी है, ट्रांसमीटर्स लगे हैं भाई, भाई सब फोड़ दोगे तुम। अब आपको लिखना है आरजीएस टूल में B1, आपको B1 लिखना है भाई, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। बी ओके, ये तो बिल्डिंग बना गई, चलो ठीक है, ये तो अब मैंने आपको बता दिया। तो वैन आपको अगर ये बिल्डिंग्स को इधर उधर करना है ना, तो चीट कोड एक ही है मेरे भाई, जो आपको लिखना है MD ON। जैसे आप लोग MD ON लिख दोगे मेरे भाई, थोड़ा सा अपना जो ओके करके फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, ठीक है, फिर आपको ओके करना है। जैसे आप लोग ओके करोगे, ये बिल्डिंग आपके साथ जहां जैसे जैसे आपका कैमरा घूमेगा वैसे वैसे ये बिल्डिंग घूमेगी। तो इसको अगर मैं सेट करना चाहूँ, इसको मुझे ओके थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इसको, अगर आपको सही से लगाना है ना इसे। जैसे कि मुझे इस बिल्डिंग को लगाना है यहाँ पे इस बिल्डिंग को मुझे लगाना है, ठीक है, ये बिल्डिंग यहाँ पे लग गया। अब इस बिल्डिंग को अगर आपको लॉक करना है तो आपको MD OFF लिखना पड़ेगा। MD FOFF लिखोगे तो ओके करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। अभी इस बिल्डिंग को तुम हटा नहीं सकते जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो। वैन आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी एक ओन सिटी बना दी है जिसमें कि ये सब मैंने लगाया मेरे भाई। निसान GTR को तो आप लोग जानते हो, ये देखो भाई क्या खतरनाक गाड़ी है यार। अब थोड़ा हवा में चलते हैं, पता तो चले हम लोगों ने किया क्या है। ओह भैंस की टांग भाई साहब, आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी की पूरी अपनी सिटी बना डाली है। इधर भी बिल्डिंग लगा डाली, उधर भी बिल्डिंग लगा डाली, और ये है अपनी मेन सिटी। मुझे लगता है मैंने अपनी मेन सिटी से ज़्यादा भर डाला है अपनी सिटी को यार। ये देखो, ये मैंने इतनी सारी बिल्डिंग लगाई है, 10 बिल्डिंग इधर है, 10 इधर है। मुझे लगता है अपने खुद की बिल्डिंग्स इतनी नहीं है जितनी मैंने लगा डाली है भाई। वाओ खतरनाक भाई, कितनी खतरनाक बिल्डिंग्स लग रही हैं। ये है हमारी खुद की सिटी। वैन आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान डालो, ये गेम की तरफ से नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है अभी। भैंस की टांग, सस्ते नशे यार। तो वैन आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपको आज 40 चीट कोड्स बताए हैं भाई, दिमाग खराब हो गया, इतने चीट कोड्स थे, बट मजा बहुत आया। मैंने सिटी भी बना डाली अपनी, और आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई मुझे इस सिटी को अगर हटाना हो तो कैसे हटाऊंगा। गेम बैक करोगे तो ये सिटी हटने नहीं वाली है मेरे भाई। और अगर इस सिटी को तुम सेव करना चाहते हो तो आपको RGS टूल में जाना है। आपको लिखना है SD, खाली SD लिख देना है, ओके कर देना। देखो RGS मोड सेविंग, ये सिटी हमारी सेव हो गई है, वापस आओगे यहीं पे रहोगे। तो अगर तुमको इस सिटी को बिल्कुल ही हटा देना है कि भाई मुझे ये सिटी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो अपना ये गेम है उसकी ऐप इन्फो पे जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, वहां पे स्टोरेज का ऑप्शन होगा, क्लिक करना, क्लियर डेटा कर देना पूरा का, ये पूरा समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नए सिरे से गेम स्टार्ट होगा जैसे पहले था। ये काम है, कर लेना मेरे भाई। तो वैन हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।